हम तो ये कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको धोखा दिया। समय था कि 15 महीना के लिए हमको रहना है मुख्यमंत्री। आखिर कौन ऐसी बात आ गई थी कि 8 महीना 9 महीना जाते जाते परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमको इस्तीफा देना पड़ा। तो धोखा तो नीतीश कुमार जी ने दिया और समाज को दिया, इसलिए कि नीतीश जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री था तो उसने अनेक समाज के पक्ष में फैसला लिया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो और अनएम्प्लॉयड हो, सबके लिए, महिलाएं हैं उनके लिए, और उन सारे जो मेरे डिसीजन थे उसमें अधिकांश को किसी न किसी रूप में तोड़ मरोड़ करके ये कर रहे हैं, यानी हमने उनको तो मार्गदर्शन दिया जिसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पर कर्ज देंगे और जो कर्ज जिनको नौकरी नहीं हुई वो माफ़ कर देंगे। क्यों ऐसा हो? जीतन मांझी ने तो कहा था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हम 5,000 रुपया पेंशन देंगे और उससे वो अपना जीवन जीविका करावें या नौकरी खोजें या पढ़ें या लिखें। तो उसी चीज़ को तो एक कर रहे हैं हम। बच्चियों के लिए से शिक्षा की बात आई थी, बच्चा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक कहा था कि पढ़ाई हम लोग फ्री कर देंगे। आज वो कर रहे हैं कि हम बच्चे बच्चे दोनों के लिए परीक्षा की शिक्षा फ्री कर दिया है, मुक्त शिक्षा देंगे। तो जो हमने रास्ता दिखलाया उसी पर चल रहे हैं। अभी दुर्भाग्यवश किसानों के बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा। जो किसान आज इतना दुश्वारियों में गुजर रहा है, हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसान को बिजली माफ़ करना चाहिए। आज बिजली बिल के चलते इतना तबाह किसान है कि हर किसान यही खोज रहा है कि आने दीजिए 2019 और 2020 का समय, हम नीतीश जी और NDA सरकार को समझाएंगे। तो कहने का मतलब हमने तो उनको दिशा निर्देश दिया और उस स्टेज में आगे बढ़ रहे थे। आज भी लोग के दिमाग में है कि जीतन मांझी अगर 2-4 महीना और रह गया होता तो बिहार में एक नई ऊर्जा पैदा होती और यहाँ अच्छा होता हर तबके के लिए। तो उन्होंने तो हमारे साथ तो धोखा दिया ही, समूचे बिहार के साथ उन्होंने धोखाबाजी की जो कि हमको उन्हें हटाने का काम किया। लेना पड़े तो लेने को तैयार हैं। उस संदर्भ में अभी भी जो आगे पीछे कर रहे हैं कुशवाहा जी वो उचित नहीं है और राष्ट्रहित में निश्चित रूप में जल्द से जल्द उनको महागठबंधन में आ जाना चाहिए। हम भी स्वागत उनका करेंगे। CBI कह रही थी कि बार बार लालू यादव के केस पर दबाव डाला जाता था, ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री का नाम है। राजद का कहना है कि लालू यादव को जानबूझकर फंसाया गया था। देखिए इस संबंध में भी जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का बेल हुआ था वो आ गए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि CBI का कैसे दुरुपयोग किया गया है। उस समय भी हमने कहा था कि CBI का दुरुपयोग करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार लालू जी और लालू जी के परिवार को तंग कर रही है। अब जब CBI के डायरेक्टर वर्मा जी लिखित शपथ पत्र दिए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि PMO का दबाव के चलते हम लोगों ने लालू जी और लालू जी के परिवार पर कुछ इस प्रकार का एक्शन लिया है, तो बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वर्तमान भाजपा की सरकार है, वो CBI ऐसे निष्पक्ष संस्था को भी एक कठपुतली बना करके रखा है और जिसे चलते आप देखें कि CBI में भी अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं आपस में फूट दिख रही है।